हम और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बदलते पर्यावरण में अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, इसका मुख्य कारण हमारे शरीर की कमजोर पड़ चुकी एंटीबॉडी सिस्टम है, जो कि बी लिम्फोसाइट के द्वारा किसी फॉरेन एंटीजन के खिलाफ तैयार होती है। सामान्यतया हमारा शरीर एलर्जी, राइनाइटिस एवं किसी संक्रमण, जैसे बैक्टीरिया का संक्रमण हो, चाहे वायरस का संक्रमण हो या फिर कोई फंगस का संक्रमण हो, इन तमाम तरह के संक्रमण से संक्रमित होता रहता है। तो उपरोक्त प्रकार के संक्रमण को रोकने के लिए और एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए हिमालय ने एक बहुत ही पावरफुल एंटीबॉडी बूस्टर सेप्टिलिन को ईजाद किया है। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, द आयुष ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करें दोस्तों सेप्टिलिन सिरप और सेप्टिलिन टेबलेट के कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें हमको गुगलू, रसनादिक्वात, सहजन, मंजिष्ठा, शंखभसम, गिलोय, अमलकी, यश मधु एवं आंवला का मिश्रण देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों हिमालय सेप्टिलिन सिरप और टेबलेट के मुख्य उपयोग की, तो यह मुख्यतया उन लोगों के द्वारा यूज की जाती है जो आए दिन कोई ना कोई एलर्जन या फिर सर्दी या फिर जुकाम से ग्रसित रहते हैं। तो इसका कारण हमारे शरीर की कमज़ोर पड़ चुकी एंटीबॉडी सिस्टम है। दोस्तों, ये टेबलेट एवं सिर्फ हमारे शरीर की एंटीबॉडी को इतना मजबूत कर देती है कि ये बीमारियां बहुत जल्द ही ख़त्म होने लगती है। इसके अलावा यह लीवर को भी ठीक करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, WBC की संख्या को बढ़ाती है एवं आंत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं उनमें यह लाभदायक है। इसके अलावा गले की खराश को भी कम करता है। वेजाइना एवं पेनिस में कोई भी संक्रमण हो जाए तो जलन का अनुभव हुआ है, तो इस प्रकार के रोगों के लिए भी ये बहुत कारगर सिद्ध हुई है। इसके अलावा दोस्तों गाउट जैसे रोगों में एवं स्किन के किसी भी संक्रमण को रोकने के लिए यह औषधि कारगर साबित हुई है। अगर आप पुरानी बुखार से पीड़ित हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी होने के कारण शरीर के किसी भी भाग में उत्पन्न हुई सूजन को ये कम करता है। इसके अलावा दोस्तों ये खून को भी साफ करता है, जिससे फोड़े हैं, फुंसी हैं एवं कील मुहासे सब गायब हो जाते हैं। बात करें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की, तो यह पूर्णतया हर्बल प्रोडक्ट है जिसको हर्बल ड्रग कंपनी बेंगलुरु बनाती है। इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ माइनर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कमजोरी हो सकती है, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों इसके डोज की, तो दो गोली सुबह और शाम खाने के बाद में, और बात करें इसके सिरप की, तो दो या तीन चम्मच खाने के बाद में या अपने डॉक्टर के बताए अनुसार आप ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। जय हिंद।